हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद करना सीखेंगे। ये जो है मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है इसे याद करना, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद उन्हें बहुत इजी लगेगा पीरियोडिक टेबल याद करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रुप नंबर 1 के इस ब्लॉक के तत्व, जिसे हम अल्कली मेटल भी कहते हैं। इसका हम एलिमेंट देखेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रिंजियम। अब इसको हम ट्रिक से याद करना सीखेंगे। तो इसका ट्रिक है हलीना के रब से फरियाद। तो हलीना से याद रखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, के से याद रखेंगे पोटेशियम, रब से याद रखेंगे रुबिडियम और सीजियम, ठीक है, से याद रखेंगे सीजियम और फ्रिंजियम, फरियाद, ठीक है, फरियाद से याद रखेंगे फ्रिंजियम। तो इसका क्या ट्रिक है, हलीना के रब से फरियाद, ठीक है, हलीना से याद रखना है हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, और के से याद रखना है पोटेशियम और रुबिडियम, रब से याद रखना है रुबिडियम और सीजियम याद रखना है से और फ्रिंजियम याद रखना है फरियाद। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रुप नंबर 2 के इस ब्लॉक के तत्व, जिसे हम अल्कली अर्थ मेटल भी कहते हैं। इसका एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेंशियम, बेरियम और रेडियम। इसका बेस्ट ट्रिक है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो बेटा से याद रखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम से मांगे से याद रखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम, कार से याद रखिए कैल्शियम, सेंचियम, ठीक है, सेंचियम याद रखिए स्कूटर से और बेरियम बाप से याद रखिए और राजी, ठीक है, रेडियम से याद रखिए राजी। तो इसका है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है, इसको याद रखिए आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेंशियम, बेरियम और रेडियम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रुप नंबर 13 का पी ब्लॉक का तत्व, जिसे हम ब्राउन फैमिली के नाम से जानते हैं। और इसका एलिमेंट है बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है, और इसका हम ट्रिक देखेंगे बैगन, आलू, गाजर इन थैली। तो बैगन से याद रखेंगे बेरिलियम, आलू से याद रखेंगे एल्युमिनियम, गाजर से याद रखेंगे गैलियम और इंडियम से याद रखेंगे इन, ठीक है, और थैली से याद रखिए थैलियम। तो देखेंगे बैगन, आलू, गाजर इन थैली, ठीक है, बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। और देखेंगे ग्रुप नंबर 14 के पी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है, जिसे हम कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं। इसका एलिमेंट है कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम एंड टीन और लेड। तो इसका ट्रिक है कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। तो कौन से याद रखिए कार्बन, सी से सिलिकन, जर्मेनियम, गीता से जर्मेनियम एंड टीन, ठीक है, स्नेहा से टीन याद रखिएगा और प्रभा से याद रखिएगा लेड। कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टीन। लिखेंगे ग्रुप नंबर 15 का पी ब्लॉक का एलिमेंट, जिसे हम पिंकडोजन भी कहते हैं। एलिमेंट देखेंगे इसका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसका ट्रिक है ना पी
ऐसे सबके सबके बीच। तो ना से हो जाएगा नाइट्रोजन, पी से हो जाएगा फास्फोरस, आर्सेनिक हो जाएगा ऐसे, और एंटीमनी हो जाएगा ठीक है सबके, और बीच से हो जाएगा बिस्मथ। ठीक है, तो क्या हो गया, ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रुप नंबर 16 का पी ब्लॉक, जिसे हम चलकोजन भी कहते हैं। इसका एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो इसका ट्रिक है ओ एस्टाइल से टीपो, ओ एस्टाइल से टीपो लिख रहे हैं, ओ एस्टाइल स्टाइल से टीपो, ओ से ऑक्सीजन स्टाइल, ठीक है, सल्फर और से सेलेनियम और टी से टेलुरियम और पी ओ से पोलोनियम, ठीक है। तो ओ स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रुप नंबर 17 का पी ब्लॉक, जिसे हम हाइलोजन कहते हैं, ठीक है। इसका एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटेस्टाइन। इसका ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर से याद रखिए फ्लोरीन, कल से याद रखिए क्लोरीन, और बाहर से याद रखिए ब्रोमीन, और आई से याद रखिए आयोडीन, और आंटी से याद रखिए एंटेस्टाइन। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटेस्टाइन। देखेंगे ग्रुप नंबर 18 का पी ब्लॉक, जिसे हम नोबल गैस भी कहते हैं। इसका एलिमेंट है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसका ट्रिक है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना से याद रखिए हीलियम, नीना से याद रखिए नियोन, और से याद रखिए आर्गन, करीना से याद रखिए क्रिप्टॉन, का से कुछ याद नहीं रखना है, एक्सरे से याद रखिए ज़ेनॉन, और रंगीन से याद रखिए रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो क्या होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पीरियड नंबर 4 डी ब्लॉक, जिसे हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। इसका है एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोनियम, मैग्नीस, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इसका है ट्री शक्ति वक्रमण फीको निकोजन। तो शक्ति, शक्ति में दो ठो है एलिमेंट, फर्स्ट स्कैंडियम और ती, ती से याद रखिए टाइटेनियम और वक्र, इसमें भी दो ठो है, वी से क्या वेनेडियम और वक्र, क्रॉस हो जाएगा क्रोनियम, और मन, मन से हो जाएगा मैंगनीज, और फीको, फीको से हो जाएगा फी, फी से हो जाएगा आयरन, और को से हो जाएगा कोबाल्ट, और नी, नी से हो जाएगा निकेल, और कुंजन, ठीक है, कु से हो जाएगा कॉपर, और जन, जन से हो जाएगा जिंक। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।